ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 4 नवंबर को है 2017 और दिन है शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए नहीं है, शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा है। विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। शिव भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया जिससे वो त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया जो शिव के अनेक नामों में से एक है, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसे सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह यह दिन एक नहीं बल्कि कई वजहों से खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्नदानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा ही माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्नता होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।